हेलो हाय, मेरा नाम मनोज पालीवाल है और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है पहाड़ की खुशबू। तो दोस्तों, शनिवार का दिन था और हल्की हल्की बारिश संग कुछ शांत हवाएं थी, और हवाओं में मेरे प्यारे से पहाड़ की खुशबू, मेरे प्यारे से पहाड़ की सुगंध थी। उस दिन समय थोड़ा सा तेज भाग रहा था और मुझे ऑफिस से थोड़ा देर हो गई और बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी। मैं ऑफिस से बाहर निकला तो महसूस हुआ वो पहाड़ों वाली सुगंध अभी भी है। मैं मस्ती में चलता, मुस्कुराता, मन ही मन पुराने गाने गुनगुनाता शर्मा जी के दुकान के पास पहुंच गया, जहाँ अक्सर मैं और अनूप कभी कभी चाय पिया करते थे। उस दिन मैं वहाँ नहीं रुका क्योंकि वो पहाड़ की खुशबू मुझे अपनी ओर खींचे जा रही थी। मैं रूम में पहुँचा तो देखा कुछ बैग जो कि चारपाई में रखे हुए थे। मैं समझ चुका था कि शायद अनूप पहाड़ से लौट आया है। मैं छत में गया तो देखा अनूप चांद और तारों को निहार रहा था। हम दोनों एक दूसरे से मिले और गांव की बातें करने लगे। मैंने गांव के लगभग सभी लोगों के बारे में उससे पूछा और वो बताने लगा। धीरे धीरे न जाने कब वो चांदनी रात सूरज की किरणों में तब्दील हो गई। अनूप ने जब सुबह माँ का खत पढ़ा तो मेरी आंखें थोड़ा नम सी थी। उसके बाद हमने घर से आया, वो थैला खोला तो देखा माँ ने थोड़ा थोड़ा वो सभी कुछ भेजा था जो मुझे पसंद था, और मैं मन ही मन इस बार घुघुती त्योहार अपने परिवार और अपने गांव में बनाने के सपने बुनने लगा। तो दोस्तों, वो खुशबू तिल के लड्डू और गाजर के हलवे की थी, जो कि सारा दिन मुझे रूम पर जल्दी बुलाने पर मजबूर कर रही थी। तो माँ, तुम चिंता मत करना, और पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची सभी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहनों को मेरा आशीर्वाद। माँ, मैं इस बार ज़रूर आऊँगा और घुघुती त्योहार आप सभी के साथ बनाऊँगा। तो दोस्तों, आपको नन्ही सी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और अपने सुझाव मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। तो बाय दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पावन पहाड़।